लेकिन आपके यहां एबीपी न्यूज पे बिना इस चीज को समझे कि कुंभ सड़क पे नहीं होता, इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है। तो ये जो प्रचार करने का तंत्र है, हिंदू द्रोही जो तंत्र है, सरकार जो ही जो तंत्र है, संविधान जो ही जो तंत्र है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है। गुरुग्राम से हुई पूरे विवाद की शुरुआत। हिंदू संगठनों ने सरकारी जमीन पर नमाज का विरोध किया। अब खुले में कहीं भी नमाज पढ़ने के खिलाफ मोर्चा खोला। मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ने से रोकने पर आपत्ति जताई। सड़क पर क्यों पढ़ी जाए नमाज? देखिए विवाद सड़क पर, ये सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर हो रहा है। आपको बता देते हैं कि ये जो मुद्दा सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर है, आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रशीदी साहब आपसे है, सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जाए? देखिए सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जुमा एक ऐसी नमाज है जो जमात के साथ ही पढ़नी चाहिए और पढ़ी जाती है। बाकी पांच नमाजें अलग अलग करके कहीं भी पढ़ी जा सकती हैं, आदमी किसी भी जगह मुसल्ला लेकर पढ़ सकता है, लेकिन ये पांच जुमे की नमाज जो है इकट्ठी पढ़ी जाती है जमात के साथ में। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि मस्जिद में जगह कम होती है तो बाहर रोड पर सफ़े लग जाती हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को ही दखल है, किसी आम व्यक्ति को इस पर बात करने की कोई वो नहीं है। जैसे आप देखेंगे माता की चौकी लगती है या जगराते होते हैं या इसी तरह की बहुत सारी हिंदू संस्थाएं में जो धार्मिक काम करते हैं, तो उस पर किसी मुसलमान को एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं मैं ऐसे ही नमाज पर उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा विजय शंकर तिवारी जी का रुख करती हूँ। विजय शंकर जी आप समझाइए मुझे, ये तो होता चला रहा है ना, फिर अब अचानक से ऐसी दिक्कत क्या आ गई? देखो उत्सव जो है, उत्सव जब सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं उस पर किसी को कोई रोक नहीं होती और कोई आपत्ति भी नहीं होती है। अभी आप अक्षरधाम से एक आईटीओ के लिए रास्ता जाता है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाइए पुस्ते पे, तो हम कई बार देखते हैं पूरे के पूरी सड़क पर नमाज लोग अदा कर रहे होते हैं, रास्ता बंद कर दिया जाता है, आप आगे जा नहीं सकते हैं। यानी जो उत्सव होते हैं, मैंने कहा ईद है, शबे बारात है, इन उत्सवों पर किसी की कोई आपत्ति नहीं आई है। जैसे आप कहते जन्माष्टमी, यानी कोई सामूहिक कार्यक्रम कभी होते हैं, लेकिन जब रोज हर शुक्रवार को एक रोमाना फिर इनको अपनी बड़ी जमीन खरीद करके, बड़ा पार्क खरीद करके वहां करना चाहिए सार्वजनिक। अभी आपने कहा कि संविधान ये कहता है अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो नहीं करना चाहिए, यानी 20 सड़क पर जब आप हर शुक्रवार को करेंगे तो हर शुक्रवार को लोग पहले से तैयार होना पड़ेगा कि आज हमें 10 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा। तो अगर इनको करना है तो इनकी अपनी प्रैक्टिस है, अपना सार्वजनिक जगह खरीद करके उसमें करें जाकर के, जो क्या आपत्ति है? लेकिन वो सार्वजनिक जगह सड़क है, हर शुक्रवार को करेंगे, साल में एक आधे उत्सव करते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन उन लोगों को पता है हर शुक्रवार को ये होने वाला है, ये प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ विजय शंकर तिवारी जी, कि हर शुक्रवार को ऐसा होता चला आ रहा है, अब दिक्कत किस बात को लेकर है? सवाल कब से चलाता रहा है? कब से चलाता रहा है? 12 साल से इस जगह पे नमाज, ये 12 साल से चलाता है, नहीं कितने साल से हो रही है ये नमाज पार्क में? पिछले 12 साल से हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपत्ति हो रही है, जब तक कोई एक मिनट, जब कोई आपत्ति नहीं होती है, देखो जब तक कोई आपत्ति नहीं होती है, आपत्ति करने के बाद उस पर विचार कर लेना चाहिए। आपत्ति हो रही है कि सार्वजनिक जगह पर लोगों को दिक्कत हो रही है तो उस पर चिंता करनी चाहिए। अब ये नहीं, लोगों को, अब आइए अब मुद्दे पर आइए, लोगों को दिक्कत हो रही है या फिर कुछ लोगों को दिक्कत कुछ हो रही है? नहीं और सड़क पर निकलना, सवाल सुनिए, ये सड़क पर नहीं हो रहा है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ये एक जमीन है जिस पर हो रही है, और तो, अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो फिर क्या वो कुछ लोग चलो अपने बल के जोर पर वहां जाकर नमाज रुकवाएंगे? क्या देश जो है वो किसी की लाठी से चलेगा या कानून व्यवस्था से? पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, 4 साल पहले पालम बिहार में एक पार्क में इन्होंने नमाज करनी शुरू की, और कुछ समय बाद जब विरोध शुरू हुआ तो इन्होंने कहा ये वक्फ बोर्ड की जमीन है,
सरकार के पास मामला पहुंचा और सरकार के पास भी ये पक्ष रखते रहे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन बाद में पता चला फेक है, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। यानी जहां ये नमाज अदा करना शुरू कर देंगे, कल को वो वक्फ बोर्ड की जमीन है ये प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। कहां तक करेंगे ये? इसलिए स्थानीय विरोध करना जरूरी है। एक मिनट, मैंने भी कुछ तैयारी करी हुई है यहाँ पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है, जो आप हुड्डा की, पालम विहार की, चौमा गांव की जमीन की बात कर रहे हैं, चौमा गांव की जमीन की बात कर रहे हैं विजय शंकर जी, बताइए मुझे पालम बिहार की कौन सी जमीन की बात कर रहे थे आप? चार साल पहले घटना है जी क्या? जी, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हुड्डा को बोला कि आप इस जमीन के बदले वक्फ बोर्ड को प्लॉट दीजिए, जमीन का टुकड़ा दीजिए। आज तक नहीं दिया गया, जवाब दीजिए। नहीं, ये सरकार से बोलिए ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सरकार पर आ जाओ। सरकार चार साल पहले भी सरकार का ही रुख था, आज भी सरकार का ही रुख है। सरकार ने क्या कहा? आप सरकार के बचाव में क्यों? नहीं, सरकार ने क्या कहा? मैं सरकार के बचाव में नहीं हूँ, मैं सरकार के बचाव नहीं हूँ। जो अव्यवस्थित ढंग से ये नमाज अदा करते हैं उसके विरुद्ध देने दीजिए। आप बीजेपी के पास मुझे क्यों नहीं जाने देने? आप जाइए। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो मनोहर लाल खट्टर सरकार की पुलिस है, उस पर इन कुछ लोगों को यकीन क्यों नहीं किए? कुछ लोग खुद ही पहुंचाते हैं, खुद ही ये लोग नमाज रुकवाने लगते हैं। सर, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए मुझे। मुझे लगता है रोमाना खान थोड़ा सा निष्पक्ष होकर बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। जिस तरह की बातें हैं पहले जो सर, मैं पत्रकार की हैसियत से बात करती हूँ और मैं निष्पक्ष होकर बात करती हूँ। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि मनोहर लाल खट्टर की पुलिस पर कुछ लोगों को यकीन क्यों नहीं है? मैं चुनौती थोड़ी दे रहा हूँ सर, आप सवाल मेरा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं इस वजह से आपसे सवाल। एबीपी न्यूज के एंकर इतने नाराज हो जाते हैं, ठीक नहीं लगता है सर। जवाब आप लोग देते नहीं है, लोग कार्यक्रम देखते हैं, दर्शकों को लगता है कि देखिए घुमा रहे हैं, एंकर सीधा जवाब नहीं ले पा रहे हैं। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। भाजपा का पक्ष सुनना ही नहीं है। मनोहर लाल खट्टर आपको रशीदी का सिर्फ पक्ष सुनना है, सिर्फ रशीदी का पक्ष सुनना है कि भाजपा का भी सुनना है? आप जवाब देंगे तो मैं जरूर सुनूंगी और मैं चाहती हूँ मेरा दर्शक भी सुने। मैं यस, अवसर तो दे, अवसर तो दे कृपया मैडम, अवसर तो दे। देखिए, उलमा इकराम का बहुत इस मामले में साफ कहना है कि ऐसी कोई जमीन जिस पर जो मस्जिद कायम ना हुई हो, ऐसी कोई जमीन जिस पे विवाद हो, ऐसी कोई जमीन जिसका मालिक ने एनओसी नहीं दी हो, ऐसी जमीन पर नमाज अता की जाती है तो कबूल नहीं होती, एक बात। अब हुडा की जमीन है, हुडा उस पर आपत्ति कर रही है, तो मुझे लगता है सर पहले तो नमाज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रही कि कुछ लोग प्राइवेट लोगों ने उस पर यदि आपत्ति की, सरकार के पास शिकायत गई है और सरकार ने उस पर हुडा का बोर्ड लगाया है, तो उस पर नमाज के लिए जिद क्यों की जा रही है? अब इस पर यह कहा जा रहा है, जैसे अभी आपके यहाँ तारिक अनवर जी का आपने स्टेटमेंट चलाया, वो कह रहे हैं कुंभ जो है सड़क पे होता है। अब कृपया अपनी जानकारी सुधार लें, कुंभ के लिए नोटिफाइड एरिया होती है और कहाँ, जहाँ नोटिफाइड सरकार नोटिफिकेशन करती है वहाँ व्यवस्थाएं दी जाती है, उसके बाद कुंभ होता है। लेकिन आपके यहाँ एबीपी न्यूज पे बिना इस चीज को समझे कि कुंभ सड़क पे नहीं होता, इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है। तो ये जो प्रचार करने का तंत्र है, हिंदू द्रोही जो तंत्र है, सरकार जो ही जो तंत्र है, संविधान जो ही जो तंत्र है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों पढ़ी जाए नमाज, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो ये कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए, नमाज आप मस्जिद में पढ़िए, ईदगाह में पढ़ लीजिए या फिर निजी जगह पर पढ़िए, सड़क पर, सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपने ठीक से सुना नहीं उन्होंने जो बोला। उन्होंने बोला आओ धर्म और जात की बात करते हैं, आओ धर्म और जात की बात करते हैं, बिस्मिल्लाह और कलाम की फिक्र छोड़ो यारो, एसी कमरे में बैठ के सियासी उत्पात की बात करते हैं। 2019 का इलेक्शन आया है, मोदी जी के लिए चलो वोटों की फसल काटते हैं। ये वोटों की फसल काटने को निकले हैं, इनको चिंता अभी तक नहीं हुई। इतने साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनको चिंता नहीं हुई। चार साल तक यहाँ भी थे, इनको चिंता नहीं हुई, क्योंकि इनको मुद्दे की, इनके पास कुछ ऐसा इन्होंने किया नहीं है जो जनता के बीच में जाके वोट मांगे। चूंकि जनता के मुद्दे, असली मुद्दे से तो भटक रहे हैं ये। इनसे अगर पूछा जाए कि भैया आपने रोजगार की बात की थी, उसकी चिंता क्यों नहीं करते, असली तो मुद्दा वही है।
आपने दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसकी चिंता क्यों नहीं करते, महिलाओं पर अत्याचार हो उसकी चिंता क्यों नहीं करते, और पेट्रोल जिसकी सिलेंडर और पेट्रोल का पंप लिए लिए मोदी जी और स्मृति ईरानी जी चूड़ियां तक भेज रही थी, पेट्रोल भी बेच रहे थे बीच रोड पे बेच के, आज वो पेट्रोल 80 से 82 रुपए लीटर हो गया, उसकी चिंता नहीं कर रहे, कहां नमाज पढ़ी जाएगी इसकी चिंता हो रही है। अरे भैया पहले रोटी की व्यवस्था करो, वोट की राजनीति तो चलती रहेगी, इलेक्शन के टाइम ही आपको ये वोट क्यों याद आता है, उसके पहले आपको क्यों नहीं याद आता है, कभी आप जिन्ना का जिन निकाल लेते हो, कभी गुजरात का इलेक्शन होता है तो आप बाबर औरंगजेब ले आते हो, अभी आपने एक नया मुद्दा निकाल लिया, इस देश को डिवाइड एंड रूल करना छोड़ो, अंग्रेजी की आत्मा आपके अंदर चली गई, अंग्रेजों का इतने दिन आपने साथ दिया है, अंग्रेजों की आत्मा इस कदर आपके अंदर चली गई है कि आपको देश को डिवाइड करके मानना है, देश को तोड़ने की कसम खा रखी है क्या? अरे बड़े प्यार मोहब्बत से सब लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको रहने दो शांति से, अरे शांति से लोगों को रहने दो, खान की निष्पक्षता साबित, अभी अभी लोगों ने आपको सबक सिखाया है बाई इलेक्शन में, फिर भी सबक नहीं सीखा, फिर भी धर्म की बात करते हो। संविधान की शपथ जारी है, हम सीधे रुक कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि देखिए सड़क पर नमाज पढ़ना तो मुद्दा है ही नहीं, ये तो वोटों की फसल काटने की जुगत में है खट्टर सरकार। मुझे पहले आपका अभिनंदन करना चाहिए कि आप जो है संविधान की शपथ बहस शुरू करते समय कहती है कि मुद्दे से हटना नहीं चाहिए, लेकिन अनुराग जी को आप पूरा अवसर देती है इसके लिए आपका आभार कि मुद्दे से हटकर सारी बातें करते हैं लेकिन आप उनको टोकती नहीं है, तो ये आपकी निष्पक्षता जो है आपको मुबारक। दूसरा मुद्दा है, ये मुद्दा जो है वहाँ की स्थानीय जनता ने उठाया है, स्थानीय की जनता ने प्रशासन से शिकायत की, प्रशासन ने उस पर जो है कार्रवाई करने की बात की, तो ये कोई इसको मुद्दा नहीं बना रहा है, कोई चुनाव में मुद्दा नहीं बना रहा है, लेकिन स्थानीय लोग यदि कोई मुद्दा उठाएं और प्रशासन उसको सही पाए तो कार्रवाई को क्या आप जो है किसी के धर्म विशेष के चश्मे से देखना चाहिए क्या? क्या ये संवैधानिक व्यवस्था है क्या? क्या ये विधिवत व्यवस्था है क्या? क्या यही वैधानिकता है क्या? ये प्रश्न है सर। मेरा सवाल आपसे ये, क्या शांति व्यवस्था के लिए खतरा है नमाज, शांति व्यवस्था में बाधा है नमाज गुरुग्राम में? जी, शांति व्यवस्था के लिए वहां यदि लोग विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर खतरा, कोई पूजा का भी तो मैं किसी वक्त कोर्ट की जमीन पे जाकर पूजा कर रहा हूं, मैं कोई पार्क में जाकर वहां आरती शुरू कर, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सर ये सुनिए पहले, देखिए ओकेजनली अगर किसी को पढ़नी पड़ जाती है तो धर्म की आजादी है, किसी भी तरीके से कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी जगह को कब्जा करने की नीयत से नमाज पढ़ना बहुत गलत है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस पूरे मामले पर संविधान की तरफ से क्या कहा गया है, आइए जरा ये आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सुनवाई के दौरान और अपने फैसलों में धार्मिक आजादी के नाम पर सार्वजनिक जगहों के दुरुपयोग को लेकर चेताया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चेताया गया। 2013 में भी जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के लिए जो सार्वजनिक जगहों के अतिक्रमण पर रोक लगाने की बात कही थी, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धार्मिक स्थल के लिए सार्वजनिक जगहों का अतिक्रमण दरअसल भगवान का अपमान है। तो ये जो कानून इस पूरे मामले पर है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथ साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं। रशीदी साहब, फिर क्यों खुले में नमाज पढ़ी जाए? देखिए ये तो आप इससे तो आप कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे ना कि दिक्कत तो होती है, अब अगर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो नमाज को रोक देना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी लखनऊ में एक त्यौहार के अवसर पर जो है बाकायदा नमाज को डिले किया गया 2 घंटे, तो ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पिछले 12 सालों से नमाज हो रही है और जो लोग एतराज़ करने वाले हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कौन लोग हैं? अगर वो लोग सही थे और पब्लिक के लोग थे तो उन पर बाकायदा खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों की है? तो उस मांग को उनकी जायज़ ठहराते हुए एक आदेश जारी कर देना चाहिए था कि भाई आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। आपने उन पर कार्रवाई भी की है, उनको FIR भी हुई, उनको बंद भी किया है और आज उनकी सपोर्ट में खड़े भी हो गए आप, और आप उनको कहने लगे पब्लिक कह रही है। साहब जवाब देने दीजिए शुक्ला जी, फिर कार्रवाई क्यों होती है अगर लोग एक जायज मांग कर रहे हैं तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों होती है? 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। अच्छी नहीं रशीदी, नहीं देखिए जो लोग बिना परमिशन लिए वहां प्रदर्शन करेंगे उन पर गिरफ्तारी कार्रवाई करना ये संविधान सम्मत है। अब वहां पर बिना परमिशन के नमाज हो रही लोगों की आपत्ति है, वहां हुडा ने बोर्ड लगाया तो उसमें प्रतिबंध लगाया गया,
तो सरकार विधि सम्मत संविधान सम्मत कार्य कर रही है, चूंकि इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं इसलिए इस पर आपत्ति कर रहे हैं। वहां पर लोग बिना इजाजत लिए यदि प्रदर्शन करते हैं तो इलीगल है, तो उन पर भी कार्रवाई हुई है, तो ये तो निष्पक्षता है सरकार की। प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगहों में पार्कों में नमाज होती है, नोएडा में होती है, गुड़गांव में होती है और होती चली आ रही है, किसी ने आज तक कब्जा नहीं किया। ये कब्जे का नाम देकर इसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे मत लाओ। बहुत सारे हिंदू धर्म के इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जग राते होते हैं, कोई मुसलमान आपत्ति नहीं उठाता, कोई आपत्ति नहीं उठाता और न उठाना चाहिए। धार्मिक मामलों में किसी को आपत्ति नहीं उठाना चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, प्रेम शुक्ला जी देखिए आप कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था के लिए अगर दिक्कत है, लोगों को दिक्कत आती है, अब सर यहां से भी दो पहलू निकलते हैं, एक तो ये कि या तो आप नमाज पर ही रोक लगा दीजिए और दूसरा ये कि आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए ताकि नमाज पढ़ी जा सके, जैसा कि धार्मिक आजादी जो संविधान भी देता है। तो मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है वो किस राह को चुनेगी? सरकार दोनों देखिए, वहां के जो लोग गलत तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं उनको भी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है, उनसे बातचीत की है कि आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। नमाज गलत तरीके से पढ़ी जा रही है या कुछ लोगों को दिक्कत है नमाज पढ़ने से, इस पर विरोध है। नमाजियों का जो समूह है उसके साथ वार्ता की और कहा कि आप यहाँ नमाज ना पढ़ें। जी वो मान गए और वो हट गए, वो मान गए और वो चले गए वहां से। नहीं, उनको मानना चाहिए। हाँ। नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद कानूनी रास्ता है। उन्होंने बड़ी समझदारी का सबूत ये दिया है कि हिंदू मुस्लिम फिरका वराना फसाद ना हो, इसलिए वो चुपचाप चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नमाज गलत पढ़ रहे थे इसलिए हम जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस बात को गलत, अच्छी बात को भी गलत तरीके से पेश मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि फिर क्या किसी भी सार्वजनिक धार्मिक आयोजन पर खट्टर सरकार जो है वो पाबंदी लगाएगी? किसी भी पक्ष को, किसी भी पक्ष से दिक्कत हो सकती है ना सर, मैं ये समझना चाहती हूँ। जहाँ भी सार्वजनिक आयोजन, हाँ, जिस सार्वजनिक आयोजन पर आपत्तियां होगी वहां पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाइयां होती हैं। ये सारे जगहों पर होती, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो बाकायदा हरियाणा और दिल्ली के अंदर बहुत सारे मंदिरों को हटा दिया गया, मस्जिदों को हटाने की बात आई, पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी उसने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया। दूसरा आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, काशी में अभी जो है डेवलपमेंट के नाम पे प्राचीन मंदिरों को भी स्थानांतरित किया गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप कोई दरगाह या मस्जिद को हटाने की बात करते हैं इस्लाम खतरे में आ जाता है। संविधान की शपथ जारी है, हम सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग भदौरिया का। अनुराग, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर मुसलमानों को लेकर, नमाज को लेकर, मस्जिद को लेकर कुछ भी कह दिया जाए तो फौरन एक पक्ष जो है हवा बना लेता है उस बात को। देखिए बात कोई हवा